मैं देशवासियों को 78वां इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूं। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट, और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबाद ही देना चाहता हूं। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन जख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज्जतें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जतों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज हैं स्ट्रेटजी कर चेंज करती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवर्ट जो देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप भी उसमें तरमीम करें। देखिए रूफ साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लियामानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही, शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहां कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस यौम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी। और अब अवाम तक है कि वो हमें कितना सपोर्ट देगी, हम खिदमत करते रहेंगे।